आप सभी का स्वागत है पीक्यू टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें लाइफ में मिलती हैं। एक बार एक कहानी सुनी थी, वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये क्रिकेट के मैदान जैसी है, जिसमें आपके हाथ में बैट है और लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ की बॉल फेंके जा रही है। ये आप पर है कि आप कितना जल्दी, कितना तेजी से एक बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं। उसकी प्रैक्टिस में, उसकी कोशिश में आप कितना समय लगाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत मेहनत की, आपने पूरी शिद्दत से उस बॉल को किक करने की कोशिश की, हिट करने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल छूट गई। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है लाइफ की, इस गेम की, वो ये है कि आप इस गेम में कभी आउट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ना कोई विकेट कीपर है, ना ही कोई और प्लेयर्स हैं। आप अकेले ही हैं और लाइफ आपके सामने बॉल्स फेंके जा रही है 1-1। तो इसमें आप तब तक नहीं हार जाते जब तक आप खुद से इस मैदान को छोड़कर नहीं भाग जाते। जब तक आप इस मैदान में टिके हैं, लाइफ आप पर बॉल्स फेंकती ही रहेगी। एक बॉल आई, आपने कोशिश करी उसे हिट करने की, आप नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, इट्स वेरी ओके। अगली जो बॉल आएगी उसके लिए तैयार रहिए एकदम। बस फील्ड को छोड़कर नहीं भागना है, कभी गिव अप नहीं करना है और हार नहीं मान लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई आउट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से हार मान के आउट ना हो जाएं, खुद से हार मान के इस फील्ड को छोड़ के ही चले जाएं। लाइफ हमेशा अपॉर्चुनिटीज से भरी है, इस तरीके से बॉल्स पे बॉल्स आती जाएगी। आपको कोशिश करना है कि आप उस बॉल पे चौका या छक्का मार दें, लेकिन जितनी भी बॉल्स मिस होती जा रही हैं, इससे अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि और भी बॉल्स हैं जो आने वाली हैं, आप बस उसके लिए तैयार रहें। जो बॉल गई उसके बारे में यदि सोचते रहेंगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जो बॉल आने वाली है उस पर फोकस करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जस्ट बी पॉजिटिव। अपने लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखिए, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें देखिए और कोशिश करिए कुछ नया करने की। थैंक यू एवरीवन।